अकाउंट्स का क्या होगा, आज ही बदलें सेटिंग्स। नई दिल्ली, एक सवाल शायद कभी न कभी आपके दिमाग में भी आया हो कि किसी यूजर के मरने के बाद उसके सोशल मीडिया अकाउंट का क्या होता है। हम में से ज्यादातर मानते हैं कि अकाउंट निष्क्रिय पड़ा रहता होगा क्योंकि शायद यूजर के साथ उसका पासवर्ड भी हमेशा के लिए खो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया साइट्स खुद किसी यूजर की मौत की जानकारी मिलने पर एक्शन लेती है और अकाउंट में कुछ बदलाव करती है। ऑनलाइन पहचान को लेकर कई लोग वसीयत जैसा डिजिटल एस्टेट प्लान भी बनाते हैं। ऑनलाइन पहचान का दुरुपयोग न हो और इससे जुड़ी डेटा को सुरक्षित और आसान तरीके से सहेजा या नष्ट किया जा सके, इसके लिए कई ऑप्शंस भी इन साइट्स पर दिए गए हैं। इन सेटिंग्स की मदद से आप भरोसेमंद साथी को यह अधिकार दे सकते हैं कि वह आपकी मौत की सूचना संबंधित साइट पर दे सके। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस तरह एक्शन लेते हैं। फेसबुक। फेसबुक पर किसी मृत यूजर के अकाउंट को तीन तरह से प्रोसेस किया जा सकता है। इसको मेमोरियल के तौर पर सहेजा जा सकता है, पूरी तरह डिलीट किया जा सकता है, या फिर किसी अन्य यूजर की रिक्वेस्ट पर अकाउंट से कंटेंट्स डाउनलोड करने के बाद डिलीट किया जा सकता है। फेसबुक अकाउंट को मेमोरियलाइज बनाने के बाद एक फैन पेज या डिजिटल ग्रेव जैसा बना देता है जहां लोग आकर लिख सकते हैं, लेकिन नए फ्रेंड सेट नहीं होते। वहीं डिलीट करने की स्थिति में अकाउंट का पूरा डेटा मिट जाता है। इसकी रिक्वेस्ट मृत यूजर द्वारा से ट्रस्टेड व्यक्ति भी कर सकता है। इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पर भी फेसबुक की तरह अकाउंट मेमोरियलाइज करने, यादगार की तरह रखने और पूरी तरह डिलीट करने के दो विकल्प मिलते हैं। हालांकि फेसबुक की तरह इस पर यूजर पहले से कोई ट्रस्टेड व्यक्ति नहीं चुन सकता। यूजर की मृत्यु के बाद परिवार के किसी सदस्य को इंस्टाग्राम पर उसके डेथ सर्टिफिकेट के साथ रिपोर्ट करना होता है और इसके बाद अकाउंट से जुड़ा फैसला लेने का राइट उन्हें मिलता है। जीमेल और यूट्यूब। गूगल का इनएक्टिव अकाउंट मैनेजर आपको उसका चुनाव करने का ऑप्शन देता है, जो आपका अकाउंट एक लंबे टाइम पीरियड तक इनएक्टिव रहने की स्थिति में डिजिटल डेटा क्लेम कर सकता है। आप चाहें तो 90 दिनों तक इनएक्टिव रहने की स्थिति में अपना अकाउंट टर्मिनेट करने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। इसके अलावा परिवार का एक सदस्य गूगल से मृत यूजर के अकाउंट के बारे में कॉन्टेक्ट कर सकता है और कोई जरूरी डेटा मांग सकता है। ट्विटर। हैरानी की बात है कि ट्विटर ने फेसबुक या गूगल की तर्ज पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई है और मृत यूजर के अकाउंट को लेकर खुद कोई खास एक्शन नहीं लेता। हालांकि मृत यूजर के परिवार का कोई सदस्य ट्विटर से संपर्क कर डेथ सर्टिफिकेट सौंप सकता है और रिक्वेस्ट कर सकता है कि संबंधित यूजर का अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाए या इसमें संबंधित बदलाव किए जाएं।